तो यार चेंसो मैन एनिमे को लेकर फैंस काफी गर्ली वेट कर रहे हैं और ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि चेंसो मैन एनिमे 2022 का एनिमे ऑफ द ईयर हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यार ये पॉपुलर तो है, लेकिन यार सबसे बड़ी बात इसमें ऑथर के राइटिंग स्किल और जीनियसनेस को बताता है कि क्यों चेंसो मैन एनिमे डिजर्व करता है 2022 का एनिमे ऑफ द ईयर। और यार ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है, ये उन फैंस का ओपिनियन है जिन्होंने ऑलरेडी चेंसो मैन की मांगा को पढ़ लिया है, उसे खत्म कर लिया है और अब इंतजार कर रहे हैं चेंसो मैन के एनिमे का। तो यार बात यहाँ पे ये आती है कि चेंसो मैन एनिमे का अनाउंसमेंट तो हमें मिल चुका है, लेकिन यार हमें ये नहीं पता है कि चेंसो मैन एक्जैक्टली 2022 में हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रैगन एनिमे। तो यार गाइस मैं आ चुका हूं एक और एनिमे अपडेट के साथ, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं चेंसो मैन एनिमे के दो बड़े हिंट्स के बारे में, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि चेंसो मैन एनिमे हमें कब तक देखने को मिल सकता है। तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसी तरह के कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार जैसा कि आपको पता है कि जल्द ही स्प्रिंग सीजन एंड होने वाला है और साथ ही स्प्रिंग एनिमे भी, लेकिन यार हमें ऑलरेडी समर एनिमे के बारे में काफी कुछ पता चल चुका है, उसका शेड्यूल के बारे में भी, जहाँ पे हमें इस समर काफी अमेजिंग एनिमे देखने को मिलने वाला है। लेकिन यार अगर हम चेंसो मैन एनिमे की बात करें तो यार अभी तक हमें कुछ भी खास देखने को नहीं मिला है किसी भी सोर्स से, जहाँ पे हमें ये पता चले कि चेंसो मैन एनिमे हमें समर सीजन में देखने को मिलेगा या फिर मिल सकता है। तो यार इसका सिर्फ सिंपल सा मतलब यही बनता है कि चेंसो मैन एनिमे हमें डेफिनेटली फॉल सीजन में ही देखने को मिलेगा, जो शुरू होता है अक्टूबर से। क्योंकि यार अगर चेंसो मैन एनिमे को समर में ही आना होता तो यार हमें पहले ही बता देते या फिर हमें पहले ही पता चल जाता, लेकिन यार अभी तक कुछ भी ऐसा रिवील नहीं किया गया है, जिससे तो यही कंफर्म होता है कि चेंसो मैन एनिमे हमें फॉल अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा। तो यार ये था पहला बिग हिंट, अब चलते हैं दूसरे बिग हिंट की तरफ। तो यार ये दूसरा बिग हिंट जो है वो खुद क्रंचीरोल ने दिया है, जहां पे खुद क्रंचीरोल ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए ये कहा है कि चेंसो मैन एनिमे कम्स टू क्रंचीरोल लेटर दिस ईयर। इसका मतलब यह है कि चेंसो मैन एनिमे क्रंचीरोल पर ब्रॉडकास्ट होने वाला है इस साल के एंड में, यानी कि गाइस खुद क्रंचीरोल ने यह बता दिया है कि चेंसो मैन एनिमे जो है वो 4 अक्टूबर 2022 से हमें देखने को मिलेगा और मिलने वाला है विदाउट एनी डाउट के। तो यार ये थे दो बड़े हिंट, जिससे कि आसानी से आपको पता चल रहा होगा कि चेंसो मैन हमें कब तक देखने को मिल सकता है और मिलेगा। लेकिन यार एज यू नो ऑफिशियल होता है, जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाता तब तक हमारे कानों को ठंडक नहीं पहुंचने वाली है। तो इसीलिए गाइस जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा एनिमे न्यूज मिलते रहते हैं अप टू डेट विदाउट एनी डाउट के। तो इसीलिए गाइस जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार बस आज के लिए इतना है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया हो तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इंस्टेंट अपडेट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं एनिमे से रिलेटेड डेली अपडेट देता रहता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो गुड बाय।